ये तो कभी तिरंगा लगाते ही नहीं थे भाई, उन्होंने तो 15 साल पहले से लगाना शुरू करा तिरंगा। ये तो लगाते ही नहीं थे पहले तिरंगा, अपने ना नागपुर पर लगाते थे। नागपुर का 1960-70-71 का अपने भवन का तिरंगे का फोटो दिखावे हैं क्या? ही नहीं। लेकिन अब तो वो लगा भी रहे हैं और लगवा भी रहे हैं, लगवा भी रहे हैं। उनको वे कौन है लगवाने वाले? ये तो जनता ने, जनता ने उनको लगाना सिखा दिया। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और मेरे साथ इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत जी हैं। सर, एक लंबे अरसे के बाद आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो बहुत स्वागत है आपका पहले तो। और सरकार की एक और योजना का विरोध करने के लिए, अग्निपथ स्कीम जो सरकार लेकर आई थी उसका विरोध करने के लिए आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे रद्द करने की मांग की। तो सर, आप लोगों ने ऐसी कोई कसम खाई है कि सरकार जो योजना लाएगी आप उसे रद्द कराने पर? अगर सरकार गलत योजना लाएगी तो उसका विरोध करेंगे। 4 साल में नौकरी से रिटायर कौन कौन विभाग और कौन कौन त्याग पत्र दे रहा है? एक आधा अग्निवीर बन जाओ पहले। विभाग तो बहुत है ना, कि अग्निपथ योजना बहुत है, तो एक आधा अग्निवीर बन जाओ, उसको सम्मानित करेंगे जो 4 साल में अपनी नौकरी छोड़ देगा और इस योजना का समर्थन करेगा, तो हम उसको सम्मानित जरूर करेंगे। तो 4 साल में रिटायर कौन होता है? जबरदस्ती रिटायर करे जाते हैं। नहीं तो वो सिर्फ रिटायर तो नहीं कर रहे, उनका कौशल विकास करके फिर उसके बाद उन्हें कुछ सिखाया जाएगा 4 सालों के दौरान? 4 साल में उन्हें सिखाया जाएगा, मिलिट्री की ट्रेनिंग देखे, 25% को फिर मिलिट्री में रखोगे। आप भर्ती मिलिट्री की कर रहे हैं या कौशल विकास की कर रहे हैं? आप ये कहो ना कि जिनको कोई कौशल कोई विकास की योजना होगी तो उसमें जिसको जाना होगा उसमें चले जाएगा। आप मिलिट्री की भर्ती करके मिलिट्री का जवान बना के और फिर उसको कहोगे कि आप 4 साल लोगे, रिटायर होगे, ये कुछ पैसे आप लो और अब जाओ, अब कैसे कैसे होगा? आप यहाँ से रद्द करने की मांग कर रहे हैं अग्निपथ योजना को, और यहाँ नेवी में 9,55,000 युवाओं ने इसके लिए अप्लाई कर दिया। बहुत पुराने से कहावत है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी है, बेरोजगारी है। हमने भर्ती का विरोध नहीं करा, क्या पता योजना सरकार की चेंज हो जाए, कल हो जाए। हमने बच्चों को कहा कि आप भर्ती तो कर लो, जाओ आप भर्ती में अपनी, आप भर्ती करो, जाओ उसमें। तो मतलब जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उन्होंने आपकी सुनी है और उसके बाद अप्लाई किया? हमने कहा कि आप आंदोलन छोड़ के और जाओ आप। आंदोलन तो हम करने वाले हैं, 18 साल से 21 साल के बच्चे जिनको भर्ती में जाना है वो जाओ, क्योंकि सरकार भी डरा रही है, अभी भी जा रहे, जाओ अपना भर्ती। तो मतलब में उनको होना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत अब जवानों के नेता भी बन रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं है, हम उनके भी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं भाई। ये बच्चे आते कहाँ से हैं? वो गांव से ही तो आते हैं, वो खेत से ही आते हैं, खेत में जहाँ पे अनाज पैदा होता है वहाँ से ही ये जवान भी पैदा होता है। आपने दिल्ली की सड़कों पर तो कोई बच्चे दौड़ते देखा नहीं, लेकिन गांव की सड़कों पे आपको बच्चे मिलिट्री और इन फोर्सेस के लिए दौड़ते हुए ज़रूर आपको मिलेंगे। अब ज़रा किसानों की बात कर लेते हैं सर। 15 अगस्त 2022 तक आपकी आय दुगनी कर रहे थे प्रधानमंत्री, वादे किए थे उन्होंने। वादे तो पता नहीं क्या क्या करे। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन कहा तो कि जो आप वादे करो उसको पूरा करो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है उनको। आमदनी तो दुगनी किसी की होनी नहीं, आमदनी तो और कम होगी क्योंकि मार्केट बढ़ गया और परचेजिंग पावर घट गई। लेकिन फिर भी संसद में जयंत सिन्हा कहते हैं कि 2014 के बाद एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की क्योंकि इतना सशक्त कर दिया है। जनता के मंदिर में झूठ बोल रहा है तो कोई कानून तो होगा कि अगर कोई पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे तो उसको पकड़े, उसको तो सजा होनी चाहिए। भाई पार्लियामेंट में ये है कि इतने किसानों ने आत्महत्या करी, वहीं वो झूठ बोल रहे, या तो उनको जानकारी नहीं है या वे कह रहे हैं कि बस अपना कह दिया, कोई कुछ ही बात कह दो अपना टीवी में खबर बनेगी, दो चीज़ें हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री तो जो कहते हैं उनकी बात सारा देश मानता है, और इस बार उन्होंने तिरंगा हर 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 घर तिरंगा लहराने की बात की है। इससे पहले देश में तिरंगा कभी लगा ही नहीं, इससे पहले देश में कोई तिरंगा लगा ही नहीं क्या कभी? तिरंगे तो लगते हैं, हर बार लगते हैं तिरंगे, तिरंगा तो हमारी आन बान शान है। और ये नहीं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सरकार तो फ्री में तिरंगे दे दे, जितने दे देगी उतने लगा देंगे। ये योजना तो हमारी भी 26 जनवरी 2021 में यहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर है, सब पर तिरंगे थे। जो किसान तिरंगा लगाएगा, किसान तिरंगा लगाएगा उस पर लाठीचार्ज होगी। क्या सरकार का किसान का तिरंगा अलग अलग है क्या? हमने कहा कि तिरंगे हमको भी दे दो, जितने ट्रैक्टर है हम सब पर लगाएंगे, सरकार दे, हम तो खरीद रहे लगा रहे, 26 तारीख के रखे हुए हैं।
हमारे भी लगेंगे, हमारा भी आंदोलन चलेगा। आपकी डीपी चेंज होगी नहीं होगी सर? पता नहीं है, डीपी नहीं जानते हम तो, ट्रैक्टर जाने ओरिजिनल। अच्छा। सब पर लग रहे हमें। हाँ। डीपी का नहीं पता। महंगाई पर राकेश टिकैत कुछ क्यों नहीं करते सर? विपक्ष सड़कों पर बैठ रहा है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी गिरफ्तारियां दे रहे हैं। बैठना चाहिए उनको सबको, विपक्ष वालों को भी काम करना चाहिए और महंगाई घटनी चाहिए। महंगाई का बोझ सब पे पड़ता है, डीजल के रेट बढ़ते हैं तो जो गरीब आदमी जिसके पास में गाड़ी नहीं है उसको भी इसका सफर करना पड़ता है पूर्ण रूप से। तो आप तो सबकी आवाज़ उठाते हैं, तो महंगाई के लिए आम जनता की आवाज़ उठा तो रहे? ये आम जनता की आवाज़ तो जो हम उठा रहे, महंगाई भी है, गैस के सिलेंडर बढ़ गए, वो भी है, सब चीज़ें हैं। लेकिन पहले वाला जोश नहीं दिख रहा सर, जोश कम हो गया थोड़ा। अच्छा, हम 24 घंटे सड़कों पे ही बैठे रहे हैं, अपनी बात तो कहते हैं ना, मीटिंग करते हैं, अपनी बात कहते हैं, जनता को जागरूक करते हैं। जनता हो जाएगी एक दिन जागरूक, ये साल खत्म होने दो। हाँ। आपने लोगों को सड़कों पे बैठना सिखाया सर? सड़कों पे बैठना सिखाया, बैठेंगे अभी लोग सड़कों पे, चलेंगे ट्रैक्टर, चलेंगे सड़कों पे। इस बार तिरंगा लगा के ट्रैक्टर कहाँ जा रहे हैं? वो अपने सिटी में ही रहेंगे, सिटी में, अपने गांव में, अपने खेत में, वहाँ रहेंगे। लोग लगाएंगे अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाएंगे। इस बार 26 जनवरी वाले हालात तो नहीं बनेंगे सर? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, अभी दिल्ली नहीं आ रहे, अभी नहीं, दिल्ली जब आएंगे तो बताएंगे। दिल्ली अभी दूर है। है जी, रूट मैप तैयार कौन करेगा? अभी नहीं है दिल्ली की तैयारी, अभी बताएंगे कब आना है। सर ये कहते हैं डीपी चेंज करने से राष्ट्र प्रेम बढ़ता है, तो क्या लगता है आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि 75 साल होने जा रहे हैं आजादी का? और 75 ट्रैक्टर चलाओ भाई, अपने झंडा लगाओ, अपने फोटो पे भी उस पर भी लगाओ, तिरंगा लगाओ। तिरंगा कोई इनका नहीं है, ये तो कभी तिरंगा लगाते ही नहीं थे भाई, उन्होंने तो 15 साल पहले से लगाना शुरू करा तिरंगा, ये तो लगाते ही नहीं थे पहले तिरंगा। अपने ना नागपुर पर लगाते थे, नागपुर का 1960-70-71 का अपने भवन का तिरंगे का फोटो दिखावे हैं क्या? ही नहीं सर, लेकिन अब तो लगा भी रहे हैं। सरकार में जो आज शामिल हैं वे लोग, लेकिन अब तो वो लगा भी रहे हैं और लगवा भी रहे हैं, लगवा भी रहे हैं उनको। वे कौन है लगवाने वाले? ये तो जनता ने, जनता ने उनको लगाना सिखा दिया। अच्छा। जनता का धन्यवाद देना चाहिए कि जनता लगाती थी तो वे भी सीख गए लगाना, लगाना चाहिए। जनता की इतनी आसानी से सुन लेते हैं मोदी? हाँ सुन लेंगे, सुन लेंगे। किसानों की तो सुनी नहीं, एक साल दो महीना हो गए थे। चलो सुनी तो 13 महीने बाद ही सुनी तो सुनी, और जो किसानों की डिमांड थी वो पूरी करी उन्होंने। एमएसपी पे तो आज भी बात नहीं कर रहे? एमएसपी पे नहीं कर रही सरकार बात, ना उस पर कोई कमेटी बनाई अभी जी। सर आगे क्या प्लान रहेगा, प्लान ऑफ एक्शन? आंदोलन तो देश में होंगे, उसकी तैयारी भी करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे पहले। उसके अग्निपथ योजना को लेकर आगे का क्या प्लान है? हम मीटिंग करेंगे 7 तारीख से 14 तारीख तक हमारी मीटिंग रहेगी, और जो रिटायर लोग हैं वे फौजी हों या टीचर हों, वे अपना अनुभव बतावें कि रिटायरमेंट के बाद में क्या है, और 4 साल नौकरी के बाद में रिटायरमेंट होगा तो उसके क्या नफ़ा क्या नुकसान होगा, वो चर्चा हम आम लोगों से करेंगे। एक सवाल है कि 15 अगस्त 2022 तक कह रहे थे कि हर घर और घर में बिजली और तमाम चीज़ें सुविधाएं होंगी, सबके पास घर होंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है सब कुछ हो गया है पूरा प्रधानमंत्री? भाई उन्होंने कहा वे कर दो, अगर नहीं हुए तो कर दो। हाँ अभी 8 दिन बाकी है, प्रधानमंत्री हैं भाई, कर सकती है सरकार, कर दो। हुआ तो अभी है नहीं, लेकिन कर लेना चाहिए। अभी सर 8 दिन बाकी हैं, प्रधानमंत्री कर सकते हैं? हाँ कर भी सकते हैं, सरकार है। लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं सर उनको बख्शा नहीं जा रहा, उनको जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। हाँ तो जेल का रास्ता, जब भी तो इस देश पर कब्जा कर लिया ना उन्होंने, पूरे सब सिस्टम पे जो संस्थाएं हैं उन पर कब्जा हो चुका है देश में। आंदोलन करने पे भी जेल मिलेगी तो अभी और सख्त होगा। लेकिन सर आंदोलन करने से इस समय सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा तो बताओ क्या इलाज है हमारे पे? भाई नहीं हो रहा तो क्या इलाज है? हम अपनी बात कहते रहेंगे, असर तो होगा। सर किसान कहते थे कि भी हमको इस बार उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं आने देंगे। नहीं नहीं, किसानों ने कभी नहीं कहा, किसानों ने तो जहाँ जिसको चाहिए वोट दे ले, वोट अलग चीज़ है और आंदोलन अलग है, और हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, इलेक्शन तो पार्टियाँ लड़ती है, उनको काम करना चाहिए अपना। सर आपने इसको कंपनी की सरकार बताया, बीजेपी सरकार को, सरकार तो यही हम दो हमारे दो का नारा दिया, लेकिन वही हम दो हमारे दो अभी भी चल रहे हैं सारे। तो हम क्या करें, चल रहे तो पूरा देश ही कह रहा, तो हम भी कह रहे, पूरा देश कह रहा उनको तो। आपने पूरे देश को आपने ही नारा दिया था, हम दो हमारे दो की सरकार। वही तो ठीक कह रहे थे,
भाई दो वे होंगे और दो चार, तो वो दो तो वैसे ही बिजनेस कर रहे हैं, टॉप फाइव में आ गए सर, टॉप फाइव में आ गए वे आवेंगे। अभी और कुछ संस्थाएं रह रहे बीकेपी ना, वे भी उनका जाएंगे तो वे नंबर एक पावेंगे। अच्छा, उनका विकास जारी है। हाँ, उनका विकास जारी है। बहुत शुक्रिया, ठीक है।